कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार भाजपा पर हमला तेज कर दिए गए। शुक्रवार को सीतापुर मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के पूर्व विधायक सतीश अजमानी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने अडानी घोटाले मामले से लेकर मोदी सरकार को घेरा। पूर्व विधायक सतीश अजमानी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में 3 सवाल उठाए, लेकिन एक भी जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं आया। सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि अडानी पर हमला देश पर हमला है। उन्होंने कहा कि तानाशाह इस बात से डरता है कि कहीं लोग उनसे ना डरना छोड़ दें। आई इंडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व विधायक सतीश अजमानी क्या बोले, आप भी सुनिए। वही है जो पार्लियामेंट में राहुल जी ने पूछे थे, या इनके द्वारा जो अलग अलग बातें की जा रही हैं वो थे। वो सारे बिंदु हमने आपको लिख के दे दिए हैं, बोल भी दिए हैं और आपको लिख के भी दे दिए। ईवीएम क्या न्यायपालिका है क्या? ईवीएम पे हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते क्या? बहुत से विरोधी पार्टियां हैं, 22 लोग हैं, जिनमें से 19-20 लोग यही कह रहे हैं कि पर्ची सिस्टम से चलना चाहिए। और आपको ये बताएं कि मेरा ख्याल वर्ल्ड में कहीं भी ये सिस्टम नहीं है, और शायद ये किसने बनाई थी, जर्मनी ने किसने ये ईवीएम बनाई थी, वहाँ भी ये सिस्टम नहीं है। तो अगर उसमें हम कोर्ट में जाते हैं तो कौन दिक्कत है? अभी मुझे मालूम नहीं है, आप कह रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं, तो विरोधी पक्ष हमारे जो विरोधी साथी हैं वो सब चाहते हैं कि ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है, इसमें हेरा फेरी होती है। तो अगर वो सब लोग हम लोग आपस में सहमत होते हैं तो निश्चित रूप में जाएंगे, लेकिन अपने साथियों के साथ बातचीत करके तब जाएंगे। देखिए, भाजपा सरकार पे तो हमारे बहुत से आरोप हैं, न्यायपालिका पे कोई आरोप नहीं। भाजपा ने किस तरीके से डेटें पहले करी, 4 साल नहीं किया और उसको एकदम एक ही महीने में सब कुछ कर दिया, तो ये न्यायपालिका के ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है। उन्होंने सदस्यता समाप्त की, ये न्यायपालिका की मर्जी है। न्यायपालिका का फैसला आया, ये उनकी मर्जी है, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। हम उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं कर रहे, न्यायपालिका पे हमारा कोई आरोप नहीं है। और जो बीजेपी वालों ने किया ये भी हम आप महसूस कर सकते हैं, कह नहीं सकते, कह नहीं रहे, क्योंकि कहने से इनडायरेक्ट वे से फिर बात उन्हीं पे आ जाती है कि आपने करवाया, इसलिए हम कतई इसको नहीं कह रहे। निश्चित रूप से जीतेंगे। इनका जो 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 डिक्टेटरशिप है वो वही हमको जिताएगी, जिस तरीके से इनके काम है, जिन तरीके से इनके इनका वर्क चल रहा है, उस हिसाब से हम निश्चित जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी और फिर आपसे हम मिलेंगे, निश्चित जीतेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटना और विपक्ष को डराना धमकाना ये सब देश के लिए घातक है। इस अवसर पर प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर आशुतोष बाजपेयी मीडिया से मुखातिब होने के बाद समस्त कांग्रेसी जनों ने पैदल मार्च किया तथा लोकतंत्र को बचाओ व वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह को सौंपा। इस अवसर पर डॉक्टर विजयनाथ अवस्थी, सुधीर पांडे, सुभाष राजवंशी, संजय कुमार सनीद, धीरेश कश्यप, संतोष भार्गव, विनीत दीक्षित, कमला रावत, ममता वर्मा, विनीता राजवंशी, मिथिलेश वैसे, सतीश अग्निहोत्री, अक्षय श्रीवास्तव, रफीक बेग, मसरूर अली, पिंदर सिंह सिद्धू, शबनम, राजेंद्र निगम, गुरपाल सिंह, कृष्णदत्त मिश्र, रवि प्रकाश, विनय यादव, संजय सिंह, आशीष शुक्ला, कौशल किशोर शुक्ला, दिलेर सिंह, अजय कुमार शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मोहम्मद जावेद, हसीना खातून, पुनीत शुक्ला, मुनवा सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।